भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, अडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पुरानी संसद भवन से कई यादें जुड़ी हुई हैं। यहां से जाना एक भावुक पल है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की भी चर्चा की। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सभी ने अपना योगदान दिया। आजादी के बाद विद्वानों ने आशंकाएं व्यक्त की थी कि देश का क्या होगा, लेकिन देश ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। 75 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सामान्य मानवीय का संसद के प्रति विश्वास अटूट हुआ है। इन 75 सालों में पंडित नेहरू से लेकर अभी तक जितने नेता हुए उनके गौरवान का मौका है। सदन की ताकत से देश आगे बढ़ा है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने विश्वामित्र के रूप में दुनिया में अपनी जगह बनाई। भारत की दोस्ती का दुनिया अनुभव कर रही है। सबका साथ सबका विकास विश्व मंत्र बन गया है। महिला सांसदों ने भी सदन की गरिमा को बढ़ाया है। G20 की सफलता भारत की सफलता है। जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। हम सबके लिए गर्व की बात, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं। ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। संसद के बीते दिनों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 3 प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में ही चले गए, उन्हें खोने की नौबत आई तो सदन ने अपने आंसू भी बहाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर्स का भी अभिनंदन किया और कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी का योगदान रहा है। पीएम मोदी ने सदन के कार्यक्रमों को भी नमन किया। पहले जरा सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा। वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी,
अडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को तीन अपने प्रधानमंत्री, उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा। संसद पर हुए हमले को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये घटना देश कभी नहीं भूल सकता। इस सदन में लोगों को बचाने के लिए अपने सीने पर गोलियां झेली, मैं उनको भी नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि ये हमला संसद पर नहीं बल्कि देश की आत्मा पर था। जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को, किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा, कई प्रकार की सेवाएं की होगी, किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी, न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिस जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। पत्रकारों के बारे में बोलते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने में पत्रकारों का भी योगदान रहा है। जिन पत्रकारों ने संसद को कवर किया, शायद उनके नामों को तो नहीं जानता, लेकिन उनके काम को भूला नहीं जा सकता। आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचा। इसके बाद
पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचने के अनुभव को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश हमें इतना सम्मान देगा। गरीब का बेटा भी सांसद बनता है, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। जब मैं पहली बार सांसद बनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में आया था तो मैंने अपना शीश झुकाकर इसे नमन किया था। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था। पीएम मोदी ने कहा कि संसद से लोगों का लगाव है। इसी भवन में संविधान सभा की बैठक हुई थी, लोगों का संसद के प्रति विश्वास ज्यादा हुआ है। इस सदन से विदाई लेना बहुत भावुक पल है। संसद का पुराना भवन आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। पुराने संसद भवन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन की पहचान मिली। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इसी सदन में चरण सिंह ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था। इसी सदन में मनमोहन सिंह की सरकार में कैश फॉर वोट कांड भी देखा गया। इसी सदन ने आपातकाल का संकट भी देखा था। इसके अलावा पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव को भी याद किया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। खैर, पीएम मोदी के इस भाषण पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए एबीपी लाइव।